नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हलिया वन अभ्यारण क्षेत्र के देवघटा पांडे, उमरिया, कुशियारा, परसिया व वन क्षेत्र में पत्थर खनन तेजी से किया जा रहा है। इसके बावजूद वन विभाग खनन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। समाचार पत्रों में अवैध खनन की खबर छपने के उपरांत खनापूर्ति कर पल्ला झाड़ लिया जाता है। बीते जून माह में बसकुड़िया व हलिया पहरी पर खनन मामला प्रकाश में आने पर एसडीएम लालगंज बस्तियों ने स्थलीय निरीक्षण कर वन विभाग को खनन रोकने की सख्त हिदायत दी थी। एसडीएम बस्तियों की जांच में बड़े पैमाने पर पत्थर की जोड़ी गई दीवार भी गायब पाई गई थी, जिस पर एसडीएम ने रेंजर प्रेम प्रकाश चौबे को फटकार लगाते हुए वनों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर कड़ी चेतावनी दी थी। देवघटा पांडे वन क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह बेखौफ होकर पत्थर खनन किया जा रहा है। देवघटा पांडे में खनन माफियाओं द्वारा पत्थर का खनन व गिट्टियां तोड़ने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, पत्थर की जोड़ी गई लगभग 3 किलोमीटर लंबी दीवार भी गायब कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। देवघटा पांडे व कुशियारा वन क्षेत्र में अक्सर दिखाई देने वाले दुर्लभ काले हिरण भी अब बामुश्किल दिखाई पड़ते हैं। कुशियारा वन क्षेत्र में जहां पत्थर खनन तो किया ही जा रहा है, वहां पौधों की सुरक्षा के लिए जोड़ी गई पत्थर की दीवार भी जगह जगह से खनन माफियाओं ने गायब कर दिया है। यदि इसी तरह से पत्थर खनन का कारोबार चलता रहा तो आने वाले दिनों में हलिया वन सेंचुरी क्षेत्र से वन तथा वन्य जीवों का अस्तित्व मिट जाएगा। देवघटा पांडे, उमरिया, परसिया व कुशियारा वन क्षेत्र से निकाले जा रहे पत्थर व तोड़ी जा रही गिट्टिया क्षेत्र में बन रही सड़कों व नालियों के निर्माण कार्य के लिए औने पौने दामों पर क्षेत्रीय लोगों तथा ठेकेदार खरीद लेते हैं। वन सेंचुरी क्षेत्र में जगह जगह हो रहे पत्थर खनन की जानकारी होने के बावजूद भी वन विभाग हाथ पर हाथ खड़े बैठा हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वन विभाग के मिलीभगत से यह कार्य करवाया जा रहा है। वन विभाग द्वारा पत्थर खनन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने हलिया वन सेंचुरी क्षेत्र में पत्थर खनन पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवाया है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मिर्जापुर से संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।